कथिया कुछ उठो, कथिया निधा उठो जल्दी कुछ उठो। क्या हुआ शाजी, हमें ठीक तो है ना? सब ठीक है, देखो जल्दी जाओ यहाँ से और जाकर असद से मिलो, उसके रिश्ते को हाँ कर दो, वरना अब जो कयामत आएगी ना वो पहली वाली से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी। प्लीज जल्दी जाओ कुत्सिया। लेकिन शाजिया आप ही, प्लीज कुत्सिया, शाहनवाज को पहले ही शक हो गया है कि उनके पीछे यहाँ कोई आता है, उनके उठने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ, यह आखिरी मौका है, यह आखिरी मौका मत गवाओ कुत्सिया। कुछ फैसले फैमिली के लिए भी लिए जाते हैं कि अम्मी जी तैयार है? कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, अम्मी बिल्कुल ठीक है। और आप? तुम डॉक्टर हो, अम्मी जी का इलाज कराना बहुत जरूरी है। अरे मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं किसी दिन घर से बाहर ही ना निकल जाएं। कैसे निकल जाएंगे हम सब के होते हुए? तुम सब जितने लापरवाह हो ना, अंदाजा है मुझे, अगर तुम सब इतनी अकलमंद होती तो आज ये हालात होते? जाओ सासे कहो के तैयार कर दे उन्हें। कुछ से घर पर नहीं। सो कहाँ गई है? डॉक्टर के पास गई है फॉलोअप के लिए। कौन सा डॉक्टर, कौन सा फॉलोअप चल रहा है ये? अब तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है ना वो, कौन सी बीमारी लग गई है उसको? लेडी डॉक्टर के पास गई है, लड़कियां हर प्रॉब्लम हर किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं हर किसी नहीं हूँ, बाप भाइयों के साथ भी नहीं करती शाहनवाज। बहुत बातें बनाने आ गई हैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर ना मुझे तुम्हारी बहनों का रंग नजर आ रहा है। अकेली गई है? नहीं, निदा साथ है। ठीक है, तुम जाओ जाके तैयार करो अम्मी जी को। शाहनवाज अम्मी बिल्कुल ठीक है। क्यों अपनी माँ की दुश्मन बनी हुई हो तुम, जरा भी एहसास है तुम्हें? इसी तरह निकल जाएगी तुम्हारी माँ सड़कों पे, मारी मारी फिरेगी। एहसास है तुम्हें? तुम्हारी माँ को इलाज की जरूरत है और तुम जाहिलों की तरह अपनी माँ को घर में रखकर मार देना चाहते हो। अगर कल कला को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे खानदान वाले और ये मोहल्ले वाले मुझे लानतान करेंगे। कुछ नहीं होगा अम्मी को, सिर्फ बोलना ही तो छोड़ दिया है उन्होंने। हाँ सिर्फ बोलना ही तो छोड़ा है उन्होंने, फिर निकल जाएंगी घर से किसी भी दिन, सड़कों पे मारी मारी फिरेंगी, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और पता भी नहीं बता सकेंगी, क्योंकि सिर्फ बोलना ही तो छोड़ा है उन्होंने। और फिर मिलेगी किसी सर्द खाने से लाश, कहीं से कुत्ता नोचा हुआ होगा, कहीं से चील कौवा। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी भाई।